कार पार्किंग की है -1 पे और उतर गए हम -2 पे। बहुत स्थिति खराब हो गई है, बहुत स्थिति खराब। हमारे साथ हो गया है सबसे बड़ा लोचा। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चहिता आरजीओ में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग में पूरे बने रहिएगा। श्रीमान और श्रीमती जी से गुजारिश है, आप फल फ्रूट सब्जियां बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात वो है उस फ्रिज की कि आप एंड्रॉयड मोबाइल से उसे कनेक्ट करके उसके डिस्प्ले पर मूवीज़ देख सकते हो, सीरियल्स देख सकते हो, यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो, रील्स देख सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़, क्योंकि पूरा एंड्रॉयड उसके गेट पर। तो आप जो भी किचन में काम करते हैं या करती हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कि वो आशी की एक्साइटमेंट को देखे, क्योंकि वो भी विचलित हो गई है इस फ्रिज को देख करके। फिर हमारे साथ लोचा, ये हुआ कि उसकी रेट देख करके हम हो गए फुस और ले आए एसी। उसकी भी हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने सोचा कि हम इस बार एसी ही लेंगे, फिर फ्रिज का बाद में देखेंगे। तो देखें कितना एक्साइटमेंट है आशी में। Hi friends, welcome back to our channel again. तो आज मैं मिलना आशी, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे। एक्चुअली हमें 2 टन की एसी लेनी थी, वी हैव टू बाय बिकॉज आप तो जैसे जानते हैं दिल्ली की गर्मी से कोई नहीं बच सकता और नहीं सर्दी से, तो उसकी अभी जंग लड़ी जा रही है और जंग को जीतने के लिए हमें एसी चाहिए। तो यहाँ पे बाय द वे हमने एसी देखी, तो उसी बीच में मुझे यहाँ पे रिफ्रिजरेटर दिखा जो काफ़ी महंगा है। यहाँ उसकी जो रेट है आई थिंक 2 लाख 1 लाख से ऊपर ही होगी। एप्रोक्सीमेटली 2,49,999 फ्रिज है। और इधर ही मेरे पास में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक LED स्क्रीन लगी हुई है। आप सोच सकते हैं फ्रिज में कैसे LED स्क्रीन, तो इस LED स्क्रीन में ये पूरा ऑन हो जा रहा है। करीब यहाँ पे एक आइस क्यूब है सिस्टम है पूरा, जहाँ से आप आइस एंड आइस का अगर वाटर पीना चाहें तो ये पूरा यहाँ लगी हुई है। फिल्टराइजेशन ऑन है, यहाँ नीचे से आप फ्रीजिंग जोन लगे हुए हैं। एक चीज और है इसकी कि आप जब भी इसे लॉक करेंगे ना इस देर तो आपको अंदर से खाएंगे। इसी के पास में ये भी है और ये जो है सॉरी ये जो है ये भी मतलब मैं आपको इससे भी सेम ही सिस्टम होता है, बस सैमसंग का आईपैड जैसे वर्क करेगा। मतलब आप भाई आराम से टाइम पास कर सकते हैं फ्रिज के ऊपर। तो यहाँ पे भी सेम ही है, आइस वाटर क्यूब एंड आइस वाटर अंदर से सेम ही दिखता है पूरा। यहाँ मैं आइसक्रीम आइसक्रीम चुप करके मुँह में पानी आता है। सो इसके बाद यहाँ पे भी है वो चीज़ ये टैब है और आप यहाँ पे ना इन्होंने एक लगा रखा था फ्रीड साइड तो अभी खुल रहा है। तो यहाँ पे सैलेड मैंने रखा है, आप आराम से बट एक्चुअली इसमें सेट करना फिर अगर चाहे तो फूड लिस्ट पर डाल सकते हैं। इसलिए मैंने लाया था 25। तो मैंने ये नहीं डाला था, मैंने डाला था कुछ और। तो ये यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा जैसे बर्गर जो मेरा फेवरेट है, तो आप तो मतलब काफ़ी अच्छा सिस्टम है सारा पूरा प्रोग्राम के साथ। तो आप ये आकर ले सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल पैड है, कैलेंडर देखते हैं, कैलेंडर वुड बी न्यू टू यू पैड थोड़ा फिक्स चल रहा है बट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिलता है स्मार्ट व्यू सेटिंग्स एंड वाईफाई भी मिल जाता है। और इसके साथ ना यहाँ पे जैसे अगर आपको ड्राइंग करने लगे काफ़ी मेरे से बच्चों को होता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं लिखा अपना नाम लिखते हैं। तो मैं लिखा
ओके। लोचे पे लोचा हो रहा है, लोचे पे लोचा इसलिए हो रहा है कि पेन ड्राइव लेनी थी मुझे यूएसबी सी टाइप, और उसकी रेट थी 1300 के आसपास, 128 GB की। और यार मैं RDCT मॉल में गया, और मॉल में जाने के बाद पूछता हूँ तो उसकी रेट हो गई है 1900 रुपया। अब क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। लिफ्ट में जैसे बैठे हमें जाना था -1 और पहुँच गए हम -2 पे। इतना ज़्यादा लोचा होने के बाद आज हमने पेन ड्राइव खरीद ली है। उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वो था स्टील बॉडी और ये प्लास्टिक बॉडी है। USB मुझे पड़ी 1350 रुपये की, ले ली यार फाइनली, क्योंकि बढ़ रहा था भाव और रेट भी अमेजोन पे बहुत ज़्यादा थी, और आज भी उसकी रेट तो ज़्यादा है, 1900 के आसपास है। पर ये जो पेन ड्राइव पड़ी हमें वो पड़ी 1300 के आसपास, 1350 के आसपास, रिलायंस डिजिटल से लिया। और कितना बड़ा लोचा हो गया अपना पेन ड्राइव का, कितना चक्कर है, 3 से 4 चौथा चक्कर है ना ये। मतलब हमने काफ़ी रिलायंस डिजिटल ना की रिलायंस डिजिटल बट वी हैव डन लॉट्स ऑफ, तो हमने सारे जो भी जितने भी शॉप्स हैं उन्हें देखा हमने, पर 128 GB का तो पेन ड्राइव मिला ही नहीं हमें, मिला तो नहीं। फाइनली हमें, और अगर मिला भी था तो काफी महंगा था, महंगा था। आशी तो आज बिजी थी है ना, कौन से फोन से गेम खेल रही थी आज? आज मैंने बहुत सारे गेम्स खेले जैसे लाइक बैडमिंटन, रेसिंग एंड ऑल दैट, तो मतलब काफी मजा आया, सारी जो यादें थी वो रिफ्रेश हो गई। वैसे भी अब तो मतलब मेरे स्कूल भी खुल चुके हैं, तो मेरे सारे फ्रेंड्स गैदर हो रहे हैं, हम सब फ्रेंड्स बहुत मज़े कर रहे हैं, एंड मैं नई क्लास में आ चुकी हूँ, तो मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है कि नई क्लास है, नया सफ़र, नई पढ़ाई। आशी ने तो रेफ्रिजरेटर का भी पूरा अपना था सारा टटोल लिया, आज उसने सैमसंग का जो नया लेटेस्ट निकला है वो भी उसने मोबाइल में पूरे गेम खेल लिए। आशी के तो मज़े ही मज़े हैं, फर्स्ट क्लास मज़े हैं। पूरा लोचे वाला ब्रोक था, आपको पता है हमारी लिफ्ट -1 पे जाने वाली थी, -2 पे चली गई। पेन ड्राइव के लिए हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद अरे यार बंद है यहाँ पर भी एक और लोचा आ गया। जहाँ से हम जाते थे वहाँ पर लॉक लगा हुआ है, हमें फ्रेंड से जाना पड़ेगा करके। अच्छा तो लोचे होते रहते हैं। देखिए एक कहावत है कि सिक्स्थ में जब भी आओगे तो बहुत पसीने छूटने वाला है, मेरे वो चेहरे का लुक निकल चुका है। आशी सिक्स्थ में आ गई है, यहाँ पे मतलब जस्ट दिस वाज माय थर्ड डे, और ये पेन ड्राइव और ये लोचे वाला जो भी था हमारा एक्सपीरियंस वो हमें शेयर किया आपको। आपको अगर आप भी अगर ऐसे लोचों से मतलब बच सके हैं और प्लीज क्या करना है आपको, ये वीडियो देख करके लोचों से घबराना नहीं है, बस चलते जाना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मतलब सबसे पहले ये कमेंट कीजिए कि आपके साथ क्या कभी ऐसे कोई लोचे हुए हैं कि आप मॉल गए, अब मॉल बंद मिला, फिर आप घर गए, मतलब घर तो कभी बंद नहीं मिलता, पर जैसे कि मॉल गए, आइसक्रीम वाले स्टॉल पे गए, आइसक्रीम मांग गई, तो अगर ऐसे लोचे आपके साथ भी हुए हैं तो हम लिफ्ट में गए तो हमें -1 पे जाना था तो -2 पे चले गए। यहाँ पर हम हमेशा से निकलते हैं जब मॉल में आते हैं RD मॉल में, तो यहाँ पर गेट बंद मिला, पेन ड्राइव लेनी थी तो 3 से 4 बार हमें पेन ड्राइव के लिए आना पड़ा, कई बार हमें पेन ड्राइव के रेट्स जो थे बहुत हाई लगे। सुबह भी आए थे पर उस वक्त नहीं थी, अभी जस्ट उनकी ट्रक आई है, स्टॉक्स में थी। हाँ स्टॉक्स में थी और हमें ये मिल गई फाइनली, ये मतलब काफी अच्छी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो क्या करना है आपको जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड बाय, बहुत सारे सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, हमें नीड है सब्सक्राइब की, एंड मैं हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी और विन्यास स्टेशन की जोड़ी को बहुत सारे सब्सक्राइबर्स देंगे एंड लाइक्स भी देंगे, मतलब आप प्लीज शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है, और बाय, गुड बाय।